सब्सक्राइब कीजिए सीमा स्मार्ट किचन चैनल को, बेल को क्लिक कीजिए, इससे सबसे पहला इजी यमी वेज रेसिपी का मैसेज आपको आएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमा स्मार्ट किचन। आजकल मार्केट में लीची बहुत आ रही है। लीची की स्मूदी की रेसिपी आप देख चुके हैं, पर आज हम बनाएंगे लीची आइसक्रीम। कुछ ही इंग्रेडिएंट में बहुत आसानी से ये तैयार हो जाती है, तो चलिए फ्रेंड्स मिलके बनाते हैं लीची आइसक्रीम। लीची आइसक्रीम बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम लीची, 4 चम्मच मिल्क पाउडर, 2 चम्मच पिसी हुई चीनी, पौन कप हैवी व्हिप क्रीम या फिर फ्रेश क्रीम, 2-3 ड्रॉप रेड फूड कलर और कुछ स्प्रिंकल। लीची को लीजिए, इसे छील लीजिए और बीजे अलग कर दीजिए इस टाइप से। अब इसे ब्लेंड करना है, मिक्सी के पॉट में डाल के ब्लेंड कर लीजिए। मिल्क पाउडर डाल दीजिए इसमें, साथ ही पिसी हुई चीनी डाल के फिर से ब्लेंड कर लीजिए। अब हैवी व्हिप क्रीम या फिर फ्रेश क्रीम लीजिए। अगर फ्रेश क्रीम ले रहे हैं तो इसके नीचे आप बर्फ के टुकड़े रखिए, अच्छे से ब्लेंड कर सकेंगे आप। मैंने यहाँ पे हैवी व्हिप क्रीम यूज की है और हैंड ब्लेंडर से इसे मैंने ब्लेंड किया है। आप चाहे तो इससे भी कर सकते हैं। और अब लीची का जो हमने पेस्ट तैयार किया था वो भी इसमें मिला देंगे और फिर से ब्लेंड कर देंगे। हैंड ब्लेंडर से करते समय इसे इस टाइप से ऊपर नीचे कीजिए, ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती है और बिल्कुल स्मूथ हो जाता है। दो से तीन मिनट में हैंड ब्लेंडर से ये ब्लेंड हो जाएगा। अब इसे एयर टाइट कंटेनर में पलट लीजिए और थोड़ा सा अलग से निकाल लीजिए। इसमें हमें कलर डालना है, ये बिल्कुल ऑप्शन है। आप चाहे तो इसे वाइट ही रख सकते हैं और सेट कर सकते हैं। 2 ड्रॉप रेड फूड कलर डाल दिया है और अच्छे से मिला लीजिए। इसे फ्रिज में रख दीजिए। एयर टाइट कंटेनर वाली आइसक्रीम को 1 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दीजिए। ये सेट हो जाएगा इस टाइप से। और अब इसे फिर से मिलाना है, निकाल के चला लीजिए। और अब इसमें रेड कलर वाली जो हमने आइसक्रीम तैयार की थी वो डाल दीजिए और फिर से चला लीजिए। और अब फिर इसे 8-9 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दीजिए। 8-9 घंटे में ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाएगी। लीजिए, तैयार है सॉफ्ट लीची आइसक्रीम। इस आइसक्रीम को अपने घर पे बनाने के बाद मुझसे एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। और अगर आप आइसक्रीम पसंद करते हैं तो लाइक कीजिए और साथ ही कमेंट करके बताइए कि आपकी फेवरेट आइसक्रीम कौन सी है, मुझे पता तो चले। और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो न्यू रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक इजी टेस्टी रेसिपी के साथ। बाय बाय।